वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोज। वर्गोज, ये आपकी फेब्रुअरी की लव रीडिंग है और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी फेब्रुअरी की जनरल प्रेडिक्शंस करेंगे, लव लाइफ की जनरल एनर्जीज देखेंगे कि आप कैसा फील करने वाले हैं और कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में और क्या होते हुए दिख रहा है। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे और ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस और मैसेजेस देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। वर्गोज, ओके, एंड आई रियली प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरें, आपका फेब्रुअरी बहुत ही अच्छा गुजरे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में। वर्गोज, और शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ओनली टेक व्हाट रेजोनेट, उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअली मैच्योर बने और समझदार बने जब भी कोई जनरल टैरो रीडिंग आप देखते हैं तो। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ वांस है और एस ऑफ वांस है। ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फायर बता रहे हैं आपकी लव लाइफ में, जो कि फेब्रुअरी में आप फील करने वाले हैं। फायर फील करना मतलब कि पैशन फील करना, स्ट्रॉन्ग किसी के साथ में अट्रैक्शन फील करना, रिलेशनशिप में एडवेंचर होना, लव लाइफ में एडवेंचर होना, एक्साइटमेंट होना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप होपफुल दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, सारी यहाँ पे फायर एनर्जी है। तो सबसे पहले तो देर आर चांसेस कि आप किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, या फिर अगर आपके पर्सन के साइंस नहीं भी हैं तो आप ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व दिख रहे हैं जिनके साथ में बात करके आपको एक्साइटमेंट फील होता है या बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी है और यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी है। एस ऑफ वांस की एनर्जी एसेस न्यू बिगनिंग्स भी बताते हैं, तो फेब्रुअरी में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग भी आपकी लव लाइफ में हो सकती है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में जाएं या फिर कुछ नया हो आपकी लव लाइफ में, तो बहुत ही आपके जो स्टार्टिंग के चारों कार्ड्स हैं बहुत ही डिफरेंट एनर्जी इस बार दिख रही है वर्गोज आपकी, बिकॉज यहाँ पे कुछ नया होते हुए दिख रहा है, एक्साइटिंग होते हुए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी किसी के साथ में अच्छा टाइम सेलिब्रेट करना, अपनी लव लाइफ की सक्सेस सेलिब्रेट करना और हैंग आउट करना किसी के साथ में, ये सारी चीज़ें बताता है। एट द सेम टाइम फोर ऑफ वांड्स किसी के साथ में सोल कनेक्शन फील करना या किसी के साथ में बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्शन फील करना, ये भी बताता है। फोर ऑफ वांड्स कई बार तब भी आता है जब आपकी इंगेजमेंट होने वाली होती है या वेडिंग होने वाली होती है, तो ये लव लाइफ का सेलिब्रेशन है और इस कार्ड को ट्विन फ्लेम कार्ड भी बोलते हैं। और उसके साथ में इस फोर ऑफ वांड्स के साथ में पेज ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये दोनों कार्ड साथ में आके हमें ये बता रहे हैं कि इस सेलिब्रेशन की या फिर इस डेस्टिनेशन की शुरुआत ही हो रही है फेब्रुअरी में। तो पेजेस की एनर्जी नई एनर्जी होती है, पेजेस की एनर्जी अगेन कुछ नयापन बताती है। तो ये जो बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है जहाँ पे आप किसी के साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी बिगनिंग होते हुए दिख रही है फेब्रुअरी में बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये नया पर्सन है या पुराना पर्सन है, इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम इसे और ज़्यादा क्लियर करते जाएंगे कि किस पर्सन के लिए आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो या पॉजिटिव दिख रहे हो। बट जब पेज ऑफ पेंटिकल आता है तो कोई नया पर्सन बताता है या फिर किसी पर्सन से बहुत समय से बात नहीं हुई है और अचानक से बात होना शुरू हो जाए, उस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है पेज ऑफ पेंटिकल, समझ रहे हैं आप। तो जो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद टू ऑफ कप्स की एनर्जी में आप दिख रहे हैं और टू ऑफ कप्स के साथ में द हर्मिट है। टू ऑफ कप्स बता रहे हैं किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसी के साथ फील कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स आया है तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल लग रही है कि आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हैं वो भी आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है।
और आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। कई बार टू ऑफ कप्स तब भी आता है जब यू नो कनेक्शन थोड़ा फ्रेंडशिप से शुरू हुआ होता है या फिर अभी तक हम द लवर्स तक नहीं पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा एकदम एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली एनर्जी नहीं है, बट स्टिल बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसीलिए मैंने फ्रेंडशिप वर्ड का यूज़ किया था। और यहाँ पे हर्मिट है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को एनालाइज करने वाले हैं, तो कोई पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में फेब्रुअरी में जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आप इस सिचुएशन को फेब्रुअरी में बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो कि क्या ये कनेक्शन यू नो क्योंकि सडनली कुछ एक्साइटिंग होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, तो आप भी सोच में पड़ गए हो कि क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। आप इस पर्सन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और द हर्मिट आपकी भी एनर्जी है तो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और थ्री ऑफ वांड्स है। ओके, ये सब कुछ हो रहा है। ओके, उसके बीच में क्या हो रहा है, उसके बीच में आप वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप नाइट ऑफ पेंटिकल का वेट कर रहे हैं। ओके, अब ये बहुत ही ये स्टोरी लाइन इतने सारे साइंस के लिए इस बार आई है कि मैं अमेज्ड हो गई हूँ कि हमारी कलेक्टिव एनर्जी ऐसी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में कमिटमेंट के आने का। ओके, कमिटमेंट के आने का। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है समझिए, यहाँ पे हमने नाइट ऑफ वांड्स देखा है। ओके, और यहाँ पे हमने नाइट ऑफ पेंटिकल देखा है। हमें दो नाइट दिख रहे हैं, दो नाइट मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो पर्सन हो, दो नाइट हमें इसीलिए दिख रहे हैं कि आपका और आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं फेब्रुअरी में, उन दोनों का माइंडसेट मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ वांड्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि नाइट ऑफ वांड्स कोई ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में और बहुत ही पैशन के साथ में आपके तरफ आगे बढ़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है जिसे आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जो आपसे अट्रैक्टेड है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है और जो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग है, जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है, यू नो इस टाइप का की एनर्जी है ये। तो ये कोई ऐसी एनर्जी है कि आपकी लाइफ में आके आपके मूड को लाइट अप कर देगी, यू नो आपको खुश कर देगी आपकी लाइफ में आके, बट ये फायर की एनर्जी है और फायर के लिए कमिटमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यू नो। तो यहाँ पे आपके पर्सन हैं जो आपके साथ में प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके साथ में, शायद फ्यूचर की तरफ इतना नहीं देख रहे हैं। ओके, जिनके साथ आप फेब्रुअरी में दिख रहे हैं, बट आप यहाँ पे किस एनर्जी में दिख रहे हैं, आप अर्थ साइन है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, तो आप कमिटमेंट की तरफ देख रहे हैं। तो आप कमिटमेंट के आने का वेट कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन का के आने का वेट कर रहे हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर रह सके, जिसके साथ में आपकी शादी हो सके या फिर यू नो जिनके साथ में आप फैमिली क्रिएट कर सके। तो देयर इज़ अ चांस कि आप किसी पर्सन से मिलें, बातें करें फेब्रुअरी में और उसके बाद आप ये सोचें कि ओके बट ठीक है, मुझे मज़ा तो आ रहा है इस पर्सन से बात करके, आई एम ग्लैड कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है, बट क्या मेरा फ्यूचर है इस पर्सन के साथ में, ऐसा आप सोचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और द स्टार है। ओके, ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं और साथ में एक और चीज़ हो रही है वर्गोस, आप बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी में आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा काम दिख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अपनी पर्सनालिटी पे या अपने करियर पे फोकस करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे द स्टार है, द स्टार बता रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी हील कर लिया है। पास्ट में आपने टफ टाइम देखा था अपनी लव लाइफ में, काफ़ी टाइम से आपकी सोल ने कुछ हीलिंग को इनिशिएट किया होगा, बिकॉज़ यहाँ पे द स्टार आ रहा है। द स्टार बता रहा है कि ऑलरेडी आप हील कर चुके हैं, फेब्रुअरी में आप हील्ड फील करेंगे। और हील्ड फील करना मतलब क्या होता है, हीलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब जो पास्ट की लव लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं वो अब हर्ट करना बंद कर देंगी, बॉदर करना बंद कर देंगी और आप फ्यूचर के लिए होपफुल रहेंगे, फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। तो यहाँ पे होपफुल दिख रहे हैं आप अपनी लव लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं आप अपनी लव लाइफ में। और ये जो आपकी एनर्जी है,
ये एनर्जी आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा चार्म को क्रिएट कर रही है, मतलब आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं बिकॉज़ आपने हील कर लिया है, आपकी सोल शाइन कर रही है, आप पॉजिटिव हैं और आप सेटिस्फाइड हैं। चाहे लव लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, एक सेटिस्फैक्शन आपकी लव लाइफ में दिख रहा है जिसके कारण आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड आपके कार्ड्स हैं जहाँ पे आप शाइन करते हुए दिख रहे हैं और अट्रैक्टिव एनर्जी में दिख रहे हैं। द स्टार कार्ड जब आता है तो हमें ये भी बताता है कि अभी जो आगे जाके सीरीज ऑफ इवेंट आपकी लव लाइफ में होंगे वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव होंगे वर्गोस। और कुछ लोगों के लिए द स्टार कार्ड इसीलिए भी आया है क्योंकि आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, किसी कुंभ राशि से डील कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है और स्ट्रेंथ है। आप किसी पर्सन के साथ में अगेन बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, आप हैंग आउट करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, या फिर ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है मतलब जहाँ पे आपसे ज़्यादा आप दोनों के अलावा और भी लोग हों जिस सिचुएशन में आप दोनों मिलते हों। तो कुछ ऑफिस सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप दोनों मिलते हों, या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू, या किसी फंक्शन में आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं जहाँ पे आप दोनों के अलावा और भी लोग हैं। और कई बार ये कार्ड इंटरनेट पे मिलना या बातें करना, कॉल्स पे बातें करना, यू नो, ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। तो थ्री ऑफ कप्स बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम बता रहा है जो आप किसी पर्सन के साथ में स्पेंड करने वाले हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि आप बहुत ही जल्दी पूरे तरीके से ओपन अप नहीं होंगे इस पर्सन से। आप इवन दो आप यू आर स्पेंडिंग सम टाइम विद दिस पर्सन, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने हील कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, बट उसके बाद भी आप पूरे तरीके से ओपन अप नहीं होते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन में। आप धीरे धीरे करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी साइड से थोड़ी सी स्लो एनर्जी दिख रही है, मतलब आप अपना पूरा फेस इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं, या फिर अपने लाइफ की सारी बातें इस पर्सन को नहीं बता रहे हैं। आप धीरे धीरे करके इस पर्सन के साथ में ओपन अप हो रहे हैं। और यस, अब मूविंग ऑन, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स आपकी लव लाइफ में दिख रही है। आपको ना आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है वर्गोस, यू नो, पहले बहुत सारी चीज़ें एंड हुई हैं, पहले जो चीज़ें हुई थी अब वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और कई बार वो चेंजेस आपको आपको बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स देते हैं वो चेंजेस। अब मैं आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि पहले आपकी लव लाइफ में शायद से कुछ एंडिंग्स हुई हों, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हों, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ हो, बट अब आप ऐसे फेज़ में आ रहे हैं जहाँ पे आप अपनी लव लाइफ में बेटर फील कर रहे हैं और पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लव लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपकी बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, यू नो, कभी कभी आपको जो चेंजेस हो रहे हैं इवन दो वो पॉजिटिव होंगे, बट कभी कभी आप थोड़ा सा यू नो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उस चीज़ में चले जाते हैं कि पास्ट में जो हुआ था आई विश नहीं होता वैसा, इस पर्सन ने मेरे साथ जैसा पास्ट में किया था आई विश उसने नहीं किया होता, या फिर ऐसे भी फीलिंग आ सकती है कि पास्ट में जिस पर्सन के साथ मुझे जैसा फील होता था, अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ किसी और पर्सन के साथ मुझे वैसा फील नहीं होता है जो मैं क्रेव कर रही हूँ, जो जिस बॉन्डिंग को यू नो या क्रेव कर रहा हूँ जिस बॉन्डिंग को, वो वैसा फील नहीं हो रहा है अभी किसी भी पर्सन के साथ में। तो थोड़ा सा वो पास्ट का इम्पैक्ट हमारी लव लाइफ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बहुत ही थोड़ा सा दिख रहा है, एंड इट्स टोटली फाइन। इतना समझ में आ रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। अगर कुछ चीज़ें पास्ट में ख़त्म हुई थी तो अब नई चीज़ें शुरू होंगी, और योर होल रीडिंग इज़ अबाउट दैट, और शुरू होना शुरू भी हो चुकी होंगी। बट यस, कई बार ध्यान जाता है पास्ट में और हमें अच्छा नहीं लगता है जो भी चीज़ हमने जो भी चीज़ हमने झेली है पास्ट में उसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का ध्यान फॉर श्योर रिकंसिलेशन पे है, या फिर आप में से कुछ लोगों का ध्यान शायद से पास्ट पे है, बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स मतलब आपकी एनर्जी है, आप किसी को नाइट ऑफ कप्स देना चाहते हैं, कोई पर्सन है आपको याद आ रहा है या फिर आपकी मेमोरीज़ में है। तो और ज़रूरी नहीं है कि ये सेम पर्सन हो जिसके साथ में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो फरवरी में, बस आपका मन कर रहा है, यू नो, आपका ध्यान थोड़ा सा पास्ट में जा रहा है, इन दोनों कार्ड्स को देख के समझ में आ रहा है।
कि अभी भी किसी के तरफ थोड़े से लविंग यू नो इमोशंस हैं, या फिर अगर लविंग इमोशंस नहीं भी हैं तो वो पर्सन शायद से मेमोरी में है बहुत ही ज़्यादा, वो पर्सन याद आ रहा है, कोई पर्सन याद आ रहा है आपको। और यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी फ्यूचर को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन बता रही है, फ्यूचर आप देख नहीं पा रहे हैं और फ्यूचर को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, पर फ्यूचर क्या होल्ड करता है, मुझे फ्यूचर को लेके थोड़ी टेंशन हो रही है कि मेरी लव लाइफ में फ्यूचर में क्या होगा, मैं किस पर्सन के साथ एंड अप होने वाली हूँ या होने वाला हूँ, यू नो। तो ये सारा थोड़ा सा फ्यूचर को देख के समझ में नहीं आ रहा है। इवन तो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल लव लाइफ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ देख नहीं पा रहे हैं आप, यू नो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको कोई डिसीज़न लेना हो लव लाइफ में, या फिर कोई डिसीज़न आप लेना चाहते हो, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि डिसीज़न लेंगे या नहीं लेंगे। अब क्योंकि सिक्स ऑफ वांड्स को के साथ में टू ऑफ सोर्ड्स आया है, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर भी होते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन है आपका लव लाइफ को लेके कि दो पाथ है मेरे पास, उन दोनों पाथ में से किस पाथ को मुझे चूज़ करना है, तो यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि आपको आपका पाथ समझ में आ जाए। ओके सी, आपको कुछ डिसीजन लेना है। यस, आपकी लव लाइफ में कुछ, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग है जो आपको करनी है। बिकॉज यहाँ पे भी देखिए, दो वांस आपने होल्ड करके रखे हुए हैं और आप अभी सोच ही रहे हैं कि मुझे किस रास्ते पे अपनी लव लाइफ के चलना चाहिए, किस रास्ते को मुझे सीरियसली लेना चाहिए, यू नो। आप यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं, यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ पे भी आप देख नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई फायर साइन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंटली दिख रहा है इस बार वर्गोस, तो यहाँ पे एरीज लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी हमें फिर से दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद से अपने पास्ट को बचाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स है। सो यू आर ट्राइंग टू सेव योर पास्ट, आई डोंट नो, बट यस अगेन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे जजमेंट है और यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स है। जजमेंट और एट ऑफ सॉर्ड्स दोनों साथ में आके ये बता रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ में सेकेंड चांस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ बेटर हो और आपको फेब्रवरी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी लव लाइफ में कुछ एक्टिविटी करने की। अगर आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट है, कुछ भी लव लाइफ में हो नहीं रहा है बहुत टाइम से, कोई नया पर्सन नहीं है, कोई पुराना पर्सन नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है यहाँ पे, और लव लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टक आपको फील हो रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में मिलेगी। कुछ होगा जो आपकी लव लाइफ को पूरे तरीके से ना शेकअप कर देगा, यू नो। तो अगर कुछ नहीं हो रहा था तो यहाँ पे बहुत कुछ होने के चांसेस हैं, बट आप थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हैं। ओके अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़े कम क्लियर लग रहे हैं आप। यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, पेज ऑफ वांड्स है। आपकी मुझे ना मुझे बहुत ही क्लियर दिख रहा है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं आपको चाहूँ तो एक लाइन में बता सकती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ, बट हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सबके साथ हो रहा है बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, बट मोस्टली आप में से लोगों के साथ ये हो रहा है कि कोई सिचुएशन पास्ट में एंड हो चुकी है, कोई टावर है जो पास्ट में कोलैप्स हो चुका है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं पास्ट में, बट आप होप कर रहे हैं कि आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, क्योंकि आपका ध्यान मुझे बार बार अभी भी पास्ट में दिख रहा है। इवन तो आपने उस सिचुएशन से हील कर लिया है, आपको वो चीज़ें हर्ट नहीं कर रही हैं अभी, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान जा रहा है कि ओके आई विश मुझे वो पर्सन मिल जाए, आई विश मुझे पास्ट का पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, आई विश के उस पर्सन के साथ में रिकन्सिलेशन हो जाए। आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए इतना डोमिनेंटली यहाँ पे आया है। और यहाँ पे क्या होते हुए दिख रहा है, ओके बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। अभी यहाँ पे क्या होते हुए दिख रहा है,
आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आने का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, पेज ऑफ कप्स आ रहा है। पेज ऑफ कप्स कोई नया पर्सन है टोटली आपकी लाइफ में, ओके। और नया पर्सन मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपको फेब्रुअरी में ही मिले, नया पर्सन मतलब ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हो बट आप रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो इस पर्सन के साथ में, या फिर अगर आप रोमांटिकली भी बातें कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में, तो कुछ महीने पुराना ही कनेक्शन है ये। इस पर्सन के साथ में आपकी बहुत ही कोई लंबी हिस्ट्री नहीं दिख रही है, रोमांटिक हिस्ट्री नहीं दिख रही है, बट ये पर्सन दिख रहा है हमें आते हुए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो वेटिंग एनर्जी थी आपकी लव लाइफ की, कि आप किसी चीज़ का इंतजार करें, किसी चीज़ के होने का इंतजार करें, शायद आप रिकन्सिलेशन का वेट करें, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, शांति चल रही है आपकी लव लाइफ में, कुछ भी नहीं हो रहा है आपकी लव लाइफ में, या ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है आपकी लव लाइफ में, तो यहाँ पे इस पर्सन की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है फेब्रुअरी में। और अगेन ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप में अभी तक नहीं रहे हैं। और यहाँ पे पास्ट में भी अगर हम देखें तो पेज ऑफ वांस था, पास्ट में भी आप किसी नए रास्ते पे आपने चलना ऑलरेडी शुरू कर दिया, आप पेज ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहे हैं, पास्ट से ही आप नए रास्ते पे चलना आपने शुरू कर दिया है, ओके। तो जो एंडिंग की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो एंडिंग कुछ महीने पुरानी ऑलरेडी हो चुकी हो, ऑलरेडी आप अपने नए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी आपने रास्ते को अपने चेंज कर लिया है पास्ट से ही, एक महीने पहले से ही, 15 दिन पहले से ही, 2 महीने पहले से ही ऑलरेडी आपने नए रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। और उस नए रास्ते पे चल के आप होप कर रहे हो कि आप किसी स्टेबल कनेक्शन में आ सको, बट जो आपका ध्यान दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा पास्ट में है, और ये सबकॉन्शियसली भी हो सकता है, ओके। हो सकता है कि आप ये बातें सुन के मन में ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मैम, मैंने मूव ऑन कर लिया है, मुझे अब कोई मतलब नहीं है उस पर्सन से, बट सबकॉन्शियसली शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर्सन को, पास्ट के पर्सन को, या फिर ये एनर्जी तब भी ऐसी आती है जब आप पास्ट के पर्सन को कुछ प्रूव करना चाहते हो, यू नो, आप पास्ट के पर्सन को रिग्रेट करवाना चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि वो पर्सन रिग्रेट करे या सफ़र करे या फिर आपसे फिर से बात करे, ऐसी कोई भी एनर्जी हो सकती है अगर हमें, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं बार बार एट ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है, ओके। एट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी आया था, एट ऑफ सॉर्ट्स आपकी जनरल यहाँ पे भी कहीं पे आया था। अब एट ऑफ सॉर्ट्स आना मतलब कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, उससे निकल नहीं रहे हो। अभी आपको एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि आप में से जो लोग अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये भी फीलिंग है ना कि मैं उस पर्सन से रिवेंज लूँगी, उसको मैं दिखाऊँगी कि उसके बिना मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर है, या फिर मैं उसे कुछ प्रूव करूँगी, या फिर उसे कभी ना कभी तो रिग्रेट होना चाहिए, अगर आप ऐसे सब भी थॉट्स अपने मन में रखते हो ना, तो भी आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हो। वर्गो ध्यान रखिएगा, जितने भी लोगों के लिए मैसेज है, सिर्फ उतने लोगों के लिए ही मैं बता रही हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट में बोलते हो कि मैं ज़्यादा ज्ञान देने लगती हूँ। तो अगर ध्यान रखना कि अगर आपका, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको आपका ट्रू सोलमेट मिले, या फिर आप लाइफ में सेटल हो, आपकी फैमिली हो, यू नो, आप शादी करें, ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो ना अपना ट्रू सोलमेट ढूंढना, तो इन सब चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा, यू नो, बिकॉज अगर आप, हमारा एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड होती है, जैसे आपका ड्राइंग रूम होता है, उस ड्राइंग रूम में सिर्फ एक ही सोफ़ा सेट रखने की जगह है, ओके। मतलब कि आपकी एनर्जी फील्ड में लिमिटेड जगह है, बट अगर उस जगह में कोई और पर्सन है जिसके लिए आप ग्रजेस रख रहे हो, या फिर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हो, तो अभी भी आपने खुद को एनर्जेटिकली उस सिचुएशन में फंसा के ही रखा है। और मैं ये आपको इतना इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ की जगह पे एट ऑफ सॉर्ट्स आया, मतलब यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि खुद को इस जगह से निकालो। तो अगर मेरे ड्राइंग रूम में ऑलरेडी फर्नीचर पुराना रखा हुआ है, तो नया फर्नीचर मैं फिर से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी उस जगह पे, राइट, मुझे पुराना फर्नीचर निकालना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करो, या फिर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आए, तो अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोचेंगे,
या फिर उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में भी ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे आपका फोकस जाता है वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव तो आप सोच छोड़ दो, आप जिस जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। तो हमें पूरे टाइम इतना नेगेटिव नहीं सोचना है कि इसने ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी इज़ नेगेटिव एनर्जी, चाहे आप खुद के लिए सोच रहे हो या दूसरों के लिए सोच रहे हो। बिकॉज नेगेटिविटी पर फोकस करना मतलब अल्टीमेटली नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करना या अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। ओके, तो यहाँ पे इतनी बातें मैंने क्यों बताई है आपको, बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है जो आपको बोल रही है कि आपको किसी जगह से निकलना है। तो अगर आपका डिज़ायर है मूव ऑन करने का तो कंप्लीट मूव ऑन होना चाहिए फिर। ओके, और अगर आपका डिज़ायर मूव ऑन करने का नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे किसी नए पर्सन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में दिख रही है ऑलरेडी मुझे, और पास्ट में भी आपको कुछ ऑप्शंस मिले होंगे, प्रेजेंट में भी आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आप किसी कनेक्शन पे एफर्ट लगाना चाहते हैं, किसी कनेक्शन पे आप अभी भी एफर्ट लगा रहे हैं, आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एफर्ट लगा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है आपके कनेक्शन में। तो यहाँ पे डेविल मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर टॉक्सिसिटी, जेलसी, कोडिपेंडेंसी, यू नो, रिवेंज, और ये कुछ भी हो सकता है। तो अभी पास्ट में जो कनेक्शन में आप फंसे हुए हैं उसमें डेविल एनर्जी है, एग्जिस्ट करती है, और आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। बट स्टिल शायद आप में से कुछ लोग उस चीज़ पे एफर्ट लगाना चाहते हैं। बट यहाँ पे आपकी डेस्टिनी कुछ अलग ही गेम खेल रही है, और आपकी डेस्टिनी बहुत ही पॉजिटिव गेम खेल रही है। आपकी डेस्टिनी ट्राई कर रही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके और आपकी लव लाइफ फ्लरिश कर सके। तो डेस्टिनी इज़ प्लेइंग सम काइंड ऑफ अ रोल, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो अभी क्या होगा, फेब्रुअरी में कोई पर्सन आपको दिखेगा जो आपकी मोनोटोनस लव लाइफ को थोड़ा सा शेकअप करेगा, और यहाँ पे किसी से आप बात करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये चल रहा होगा। अब आपके पर्सन की साइड से देखें तो आपके पर्सन की साइड से 10 of Swords आया है। जिस पर्सन के लिए आप डेविल फील कर रहे हैं उस पर्सन को ये लग रहा है कि आपके साथ में जो इनका कनेक्शन था ये ख़त्म हो चुका है, ये एंडिंग की तरह देख रहे हैं आपके और इनके कनेक्शन को। तो रिसेंटली अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर रिसेंटली आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन ऑलरेडी एंड हो चुका है। ओके, और अगर हम फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में भी यहाँ पे 2 of Pentacles है। 2 of Pentacles क्या बता रहा है, हमने पहले भी जनरल रीडिंग में 2 बार 2 2 देखा था, जिसमें हमें आपका कन्फ्यूजन दिख रहा था कि आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं लव लाइफ में, वेट करें कि नहीं करें, कौन सा रास्ता चूज़ करें, किस पर्सन को चूज़ करें, क्या करें। और यहाँ पे डेथ आया है फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब 30 days बाद का फ्यूचर है ये वाला, 30 या 40 या 50 days वाला। इसमें दिख रहा है कि 2 of Pentacles जो आप एनर्जेटिकली जगलिंग कर रहे थे, जो आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे अपनी लव लाइफ में, इस सिचुएशन का एंड हो रहा है। ओके, दिस इज़ एंडिंग, आपको समझ में आने वाला है, आपके दिमाग में शायद आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप किसी पर्सन से हमेशा के लिए अपने कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं। ओके, आप अपने कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कि जिस पर्सन में, अगर आप पास्ट के पर्सन में होप देखते थे, अगर आप पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से आप फ्यूचर में वेट करना बंद कर देंगे इस पर्सन का, और अपनी कॉर्ड्स को हमेशा के लिए कट करेंगे, और आप चूज़ कर लेंगे कि ओके, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे मूव ऑन करना है। अब क्योंकि अगेन जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर एक इंसान ये डिसाइड करे, बट मोस्टली लोग आप में से ये डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं कि ओके, अभी मुझे इस पर्सन का वेट नहीं करना है, या फिर मुझे इस कनेक्शन से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अब हमने आपकी पर्सन की एनर्जी में देखा था कि वो आपके और इनके कनेक्शन को एंडिंग की तरह देख रहे हैं, तो अभी हम आगे और इनकी फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। मैं और कार्ड्स निकालूंगी जिसमें हमें इस पर्सन की फीलिंग्स और ज़्यादा क्लियर दिखे कि ये और क्या आपके लिए फ़ील करें। बट हम अगर आउटकम देखें, ये आपका 30, 40, 50 days वाला फ्यूचर है, ये आपका नियर फ्यूचर है, आपका पास का फ्यूचर है, और ये आपका दूर का फ्यूचर है। दूर का फ्यूचर मतलब आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होने वाला है। तो आप पावर कपल में दिख रहे हैं, आप चाहे मेल वर्गो हो चाहे फीमेल वर्गो हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपकी एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल की, और आप किंग ऑफ पेंटिकल किसी एम्परर के साथ में
रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। एम्परर के साथ में किसी रिलेशनशिप में होना मतलब कि किसी ऐसे पर्सन के साथ में जो आपसे भी ज़्यादा अबंडेंट है, जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है, और द एम्परर आप समझ रहे हैं ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी है, आपसे ज़्यादा मैच्योर है, आपसे ज़्यादा चार्मिंग है, आपसे ज़्यादा बेटर कर रहा है लाइफ में, और बहुत ही अच्छा इंसान यहाँ पर दिख रहा है। तो अगेन मेल फीमेल में मत पड़िएगा, बट आप किसी के साथ में यहाँ पे सिनर्जी में दिख रहे हैं, या आपकी एनर्जी है, आप किसी द एम्परर के साथ में दिख रहे हैं, मतलब कोई पर्सन जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपको अटेंशन देगा और आपको प्यार देगा। ओके, अभी ये पर्सन जो आपके लिए टर्न ऑफ सॉर्ड्स फील कर रहे थे, पर्सन और क्या आपके लिए फील कर रहे हैं ये देखते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इस पर्सन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, और प्रॉब्लम बस इतनी है कि यहाँ पे आप फेब्रुअरी में किसी और पर्सन से भी बात करते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली आप अब ये पर्सन जो फेब्रुअरी में दिख रहा है आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए, ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है या नहीं आया है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें अभी तक, या फिर आने वाला है। बट मेरा इंटेंशन ये है कि अभी हम इस पर्सन के बारे में ही इंफॉर्मेशन ले, तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती है वर्गोज आपकी इस पर्सन के साथ में। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। सी, यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है, दिस इज नॉट गुड। द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ में। टेन ऑफ सॉर्ड्स से इस पर्सन को लगा कि ओके, मेरा वर्गों के साथ में कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। दिस स्ट्रेंथ ही बता रहा है कि इस पर्सन ने जो डिसीज़न लिया है उस डिसीज़न पे ये बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर थोड़े टाइम पहले इन्होंने ये बोला होगा आपको कि हमारा कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर सकता है, तो उसी डिसीज़न पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड कर रहा है अभी। और अगर इस पर्सन ने जो भी डिसीज़न लिया है, जिस भी रीज़न से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, या फिर आपके कनेक्शन की एंडिंग हुई है, ये पर्सन स्ट्रांगली अपने डिसीज़न में स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि पर्सन फिर उसके बाद भी आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है, ये क्यूरियस है जानने में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आप कैसा फील कर रहे हैं, आप इनके लिए अभी क्या फील करते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है बेसिकली सोशल मीडिया पे, या फिर कॉमन फ्रेंड्स या लोगों से आपके बारे में पूछ रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से। तो इवन दो इस पर्सन ने गलती की हो, आपने गलती की हो, या फिर किसी थर्ड रीज़न के साथ वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ हो, बट ये पर्सन बहुत ही सारी सिचुएशन को लेके इमोशनल फील कर रहा है, और ये पर्सन सोच रहा है कि चीज़ें इस तरीके से नहीं होनी थी, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे वैसा नहीं करना था। तो इस पर्सन का इंटेंशन वापस आने का कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ ये अपने डिसीज़न पे फर्म है, बट यहाँ पे कुछ रिग्रेट है, कुछ गिल्ट यहाँ पे ज़रूर है, बिकॉज़ किंग ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा इमोशंस बताता है, और इमोशंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, गिल्ट हो सकता है, शेम हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है कि ऐसा नहीं मुझे बोलना था, वैसा नहीं बोलना था शायद से, मुझे ये बात नहीं करनी थी, मुझे हर्ट नहीं करना था वर्गों को, ये कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, या फिर अभी भी आपसे भाग रहा है, अभी भी आपके कॉल्स नहीं उठा रहा है, मैसेजेस नहीं उठा रहा है, आपसे चीज़ें छुपा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे इस पर्सन की दिख रही हैं, उसके ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंटेंशन नहीं है जो ये पर्सन जिस एनर्जी में अभी स्टैंड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे द हैंगमैन की भी एनर्जी है, और हैंगमैन की एनर्जी ये बता रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन कहीं पे फंस गया था, और शायद कोई चांस नहीं है कि आपका कनेक्शन अब आगे जाए,
तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा और वर्गो का कोई चांस नहीं था, शायद कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे या फैमिली इश्यूज थे या फिर इस पर्सन को कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें थी, इस पर्सन को लगता है ऐसा कि ये कनेक्शन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि पर्सन बहुत ही हाईली डिसअपॉइंटेड है जो भी कुछ हुआ है उससे। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, ये डिसअपॉइंटेड भी है पर्सन जो भी कुछ हुआ है उसके लिए। बट समहाउ इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई चांस नहीं है, या फिर शायद आपके कनेक्शन में कोई चांस नहीं है। और ये बस उन्हीं लोगों के लिए मैसेजेस हैं जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, या फिर जो लोग बहुत ही समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। प्लीज़ गाइज, अगेन मुझे ऐसे कमेंट्स मत करना कि मेरा तो मेरे पर्सन के साथ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप ये सब मैसेजेस क्यों दे रहे हो। प्लीज़ बी लिटिल मैच्योर, ओके। वी हैव थ्री ऑफ वांस, यहाँ पे हमारे पास थ्री ऑफ वांस है, और थ्री ऑफ वांस में इस पर्सन को अपनी लाइफ में, थ्री ऑफ वांस बता रहे, इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खालीपन लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा वॉइड लग रहा है। इवन दो हो सकता है कि इस पर्सन ने डिसाइड किया हो आपसे दूर रहने के लिए, बट यहाँ पे जो थ्री ऑफ वांस है उससे पता चल रहा है कि बहुत ही खालीपन, एक लोनलीनेस ये पर्सन फील कर रहा है। तो थोड़ा सा इस पर्सन की लाइफ में वॉइड है क्योंकि आप नहीं हैं, ओके। क्या आप जानना चाहते, नहीं, लेट इट बी, ओके। अभी हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए वर्गोस, के यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की मत कोशिश करिए। अभी ऐसा आपकी लव लाइफ में टाइम चल रहा है कि चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, किसी भी चीज़ को फोर्स मत करिए, अपनी साइड से एक्स्ट्रा एक्शन मत लीजिए। आप ये देखिए, ये ऑब्जर्व करिए कि सामने वाला आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, या आप सामने वाला आपसे क्या चाहता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, आपका चाहे पुराना कनेक्शन हो चाहे नया कनेक्शन हो, आप चीज़ों को ना नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को सुधरने के लिए। न्यू लव, तो यस, न्यू लव जैसे हमने आपके कार्ड्स में देखा था, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि कोई नया पर्सन आके थोड़ा सा शेकअप कर रहा है आपकी लव लाइफ को, थोड़ा सा बोरिंग एनर्जी या डिसअपॉइंटिंग एनर्जी से आप निकल रहे हैं, तो यस, न्यू लव यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, किसी पर्सन से आपकी बहुत ही ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होने वाली है फेब्रवरी में। तो मतलब मेरे ख्याल से ये जो नया पर्सन है, इसके साथ आपका कनेक्शन इस तरीके से शुरू हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से अपने अपनी बहुत ही डीप कॉन्वर्जेशंस करें, अपनी लाइफ के बारे में बताएं एक दूसरे को। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन और डीप कॉन्वर्जेशन होते हुए दिख रही है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आप चाहें तो एक्चुअली इस कनेक्शन में इंटरेस्ट ले सकते हैं, इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कनेक्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे सोलमेट है, तो आई डोंट नो, यहाँ पे चांसेस हैं कि आप एक्चुअली अपने रियल सोलमेट से मिल जाएं। अनरिक्विटेड लव, देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सी, ये आपके पास्ट के कनेक्शन के लिए आया है कि जिस पास्ट के पर्सन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी उस कनेक्शन में इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है, या फिर दोनों साइड से अट्रैक्शन नहीं है कि आप उस पर्सन का वेट करें। बेसिकली कार्ड ये बोल, एक तरफा प्यार होता है, यू नो, वन साइडेड लव होता है जिसको अनरिक्विटेड लव हम बोलते हैं, ओके। उसके बाद है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, जो आपको पर्सन मिल रहा है उसको एक चांस दे के देखें और कनेक्शन एक्सप्लोर करके देखें। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है तो जो पहला पर्सन मिल रहा है उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाएं। आपके कार्ड्स ऐसा बोल रहे हैं कि अपने इस रिलेशनशिप को एक चांस देखें, सी हाउ यू फील, यू नो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कनेक्शन को। फ्लर्ट, यस, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आए, थोड़ा सा फ्लर्ट करें, थोड़ा सा फन करें, यू नो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस वाले माहौल से थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में निकले। हैव फन इन योर लाइफ, ओके। अभी कुछ और मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और हम अल्फाबेट्स भी देखेंगे वर्गोस, ओके।
सेक्स इज ओके, लव लाइफ में सक्सेस लिखी हुई है, चाहे अभी मिले चाहे बाद में मिले। बी असर्टिव, बी असर्टिव रहना मतलब कि अब किसी भी पर्सन के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो अपनी नीड्स खुल के अपने पर्सन को बताना कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, आप मुझसे इस तरीके से बिहेव करते हो, वो मुझे पसंद नहीं है, तो असर्टिव रहना मतलब कि अपने पावर में स्टैंड करें और क्लियर रहें, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। किसी की भी बीएस नहीं लेना है या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लुक फॉर अ साइन, यहाँ पे यूनिवर्स आपको साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सही पाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको बहुत सारे साइंस मिले, आपको एंजल नंबर्स दिखें या फिर कहीं से कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिल जाएं। एंड नो, किसी क्वेश्चन का आंसर नो है अगर आपने इस रीडिंग के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछा है तो, या फिर आप अपनी लव लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। वर्गोस, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे एरीज मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखे थे, तो यहाँ पे मेष राशि है, सैजिटेरियस दिखे थे, धनु राशि है, लियो दिखे थे, सिंह राशि है, यहाँ पे स्कॉर्पियोज स्ट्रांग है, वृषभ राशि, यहाँ पे कैप्रिकॉन स्ट्रांग है, मकर राशि, यहाँ पे सैजिटेरियस हमें फिर से स्ट्रांग दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे वर्गोस भी स्ट्रांग है, तो आपके पर्सन भी वर्गो हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, लियो फिर से दिख रहे हैं, सिंह राशि। ओके, आप ये भी हो सकता है कि किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। वी हैव द लेटर आई ओ ओ पी ई जी। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, वी हैव ई ओ जी टी ए आई एल एंड ए, तो ये सारे लेटर्स हैं वर्गोज। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।